रहता है। यही एक मिशन है कि जिसने हमेशा भाईचारा का पैगाम दिया, जब दिल्ली में आग लग रहा था तो यही भाईचारा मिशन जो है जम्मू कश्मीर में गुलाब का फूल लेकर और हिंदू मुस्लिम का पैगाम दिया जा रहा था। पहला सबूत रमजान के महीने में हमारे हिंदू भाइयों ने हमें बुलाकर अपने अपने मंदिर के आंगन में, जहां हमारी पीछे मीटिंग हुई थी अमित जी, वहां पे इफ्तार करना कितनी बड़ी बात है। देश में जब हिंदू मुस्लिम में आग लगाया जा रहा था तो उस टाइम सैयद असद मलिक अपने हिंदू भाई को लेकर मस्जिद में गए। हमारा नारा भाईचारा, जो भी हमारी टीम है यहाँ पे, सईद साहब, गुप्ता साहब, सजाद साहब और हमारे पंडित जी जो भी हैं मेरे भाई, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा नारा भाईचारा जो मिशन है इसको समझने की ज़रूरत है। भाईचारा बोलने से भाईचारा नहीं बनता है, इसको दिल से करना है। और नूर सैद साहब जो आपके ज़िला अध्यक्ष है, उन्होंने मुझे बुलाया मीटिंग की, तो ऑनलाइन हमने बात की, मैं जानती नहीं थी, अभी अभी हमारी मुलाकात हुई है फेस टू फेस, तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया और अवाम में काम करने का भी टाइम दिया कि हम भी जाएंगे अवाम में, कुछ बोलेंगे कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। पॉलिटिकल पार्टी की तरह हम वोट मांगने नहीं आए, हम आपके लिए अभी भी परसों हमने रिलीफ बांटा दर्दपुरा में, 300-400 सूट बांटे जो अपने इसी मिशन के थ्रू से, तो ऐसे काम करेंगे। इस टाइम लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई इनके में आती है, वो हाली इलेक्शन का इस टाइम मुहिम चला रहे हैं, उनको हाली वोट चाहिए और इलेक्शन उनको चाहिए, उनको जीत सीट चाहिए, उनको इससे मतलब नहीं है पंडित मर जाए, सिख मर जाए, कश्मीरी मर जाए, कोई भी मरे उनको इससे मतलब नहीं है, उनको मतलब इससे है कि हमें सीट मिलनी चाहिए। वो क्या धीरे 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 खत्म हो रहा है। पहले न्यूक्लियर फैमिली थी, पहले 10-15-20 लोग थे, अब हम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, फिर आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है और हमारी ये जनता से यही रिक्वेस्ट है कि आप बदलाव अगर करना है तो घर से स्टार्ट कीजिए, अपनी फैमिली से स्टार्ट कीजिए, जैसे चाचा है, मामा है, फूफा है, उसमें आप पहले भाईचारा कीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। कश्मीर बीच में आ गई, कश्मीर प्रोविंस की इंचार्ज बनाया गया है और मुझे उम्मीद है तो आप आई हैं कश्मीर से चलकर इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, इस भाईचारे को जम्मू कश्मीर में कायम करने का। और ये वायदे कैसे बंदे हैं जिन्होंने इस मिशन को, इस भाईचारे को अपनी पकड़ करके रखी है। बीच में कभी कभी मेरा दिल टूट जाता है, मैंने कहता हूँ आसिफ भाई मुझे नहीं लगता जिन लोगों के लिए हम आवाज़ उठाना चाहते हैं क्या ये हमारा साथ दे पाएंगे। पड़ेगी, चलो पब्लिक को कौन पसंद है, पब्लिक को मैं पसंद हूँ, ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, वो उनकी पब्लिक की चॉइस है, लेकिन हम अपनी मोतवा के लिए एक दूसरे को काटना शुरू कर दें ये हमारा भाईचारा नहीं है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितने भी मेरे लाइफ में जुड़े हैं हमारा नारा भाईचारा मिशन में, और जहाँ जितने भी मेरे भाई बहनें जहाँ बैठी हैं उनको मेरी तरफ से आपको दिल से शुक्रिया अदा। मिशन में पहले काफ़ी हमने काम किया, 1.5 साल कटरा के अंदर, मतलब 3-4 प्रोग्राम हमने रखे, बड़ा लॉकडाउन जब लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, और हमारे बीच में मलिक साहब थे, जितेंद्र जी थे, और भी हमारे अमीर काफ़ी सारी टीम थी हमारी, तो हमने सारे इकट्ठे भाइयों ने मिलके वहाँ पे एक ऐसे प्रोग्राम रचाए, वहाँ पे गरीब जनता को खाना भी खिलाया हमारे मिशन ने, और गरीब जनता को हमने कहते हैं ना अन्न, गरीबों हमारे डोगरे में कहते हैं किसी को अन्न देना हो सबसे बड़ा पुण्य होता है, इसलिए कि हमने वहाँ पे 2200 लोगों को, फैमिलियों को वहाँ पे राशन बांटा हमने, और राशन में क्या क्या दिया, हमने आटा दिया, चावल दिया, दाल किट, दूध पत्ती जो भी होता है पूरी किट हमने बनाई, और खुले दिल से हमने लोगों के एक वहाँ पे फॉर्म बनाए, पूरा मेंबरशिप कार्ड बनाया, बड़े तरीके से सिस्टम से पूरा प्रोटोकॉल से। सलाम का मतलब ये है कि कई सारे लोग सोचते होंगे सलाम का क्या मतलब है, कि ये मुसलमानों ने शायद अपना कुछ बना लिया है, उनको कुछ जो है ना वो गिल्टी फील करते हैं सलाम बोलने से, लेकिन सलाम का मतलब है अल्लाह आपको सलामत रखे, जब उसको वालेकुम सलाम अगला बोलता आपको भी रखे। इसी तरह हर एक जो है भाषा में, हर एक मज़हब में, जैसे नमस्कार कोई करता है, सत श्री अकाल कोई करता है,
ये किसी को कोई गाली नहीं देता है, ये कोई बुरी बात नहीं होती। दैट मीन्स आप उसको रेस्पेक्ट देते हो, इज्जत करते हो उस इंसान को, जब आप, क्योंकि इस्लाम में कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू का धर्म हो, बोलते हैं कि नमस्कार करने में या सलाम करने में या सस्त्रियाकाल करने में पहल करनी चाहिए, कि कोशिश करनी चाहिए कि मैं ही पहले बोल दूं इनको, क्योंकि उससे ज़्यादा पुण्य मिलता है, स्वभाव का काम मिलता है। तो आज हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की है, हम सब की माटी एक है, हम सब की माटी एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हमारा नारा भाईचारा, 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 हूँ मारी बेग साहब अमर है, हूँ मारी बेग साहब अमर है, हूँ मारी बेग साहब अमर है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मादरे वतन जिंदाबाद, मादरे वतन माता की जय, हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हमारा